रविवार को उत्तर प्रदेश जूनियर फुटबॉल प्रीमियर लीग 2022 प्रतियोगिता का ट्रायल पार्वती वेलफेयर सोसाइटी के राष्ट्रीय सचिव महेंद्र गुप्ता के तत्वाधान में सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज में संपन्न हुआ, जिसके संबंध में पार्वती वेलफेयर सोसाइटी के सचिव महेंद्र गुप्ता ने बताया कि गोरखपुर मंडल के लगभग 175 से अधिक खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। ट्रायल के माध्यम से कुल 50 खिलाड़ियों का द्वितीय चरण के लिए किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों से खिलाड़ियों के ट्रायल में कुल 90 खिलाड़ियों के चयन के उपरांत विभिन्न संस्थाओं द्वारा 8 मई को बोली एवं नीलामी के माध्यम से टीम का चयन किया जाएगा। इसके अलावा 22 मई से 26 मई तक खेल प्रतियोगिता का आगाज किया जाएगा। इस अवसर पर ईश्वर चंद जायसवाल, नंदू मिश्रा, राकेश सारस्वत सहित संस्था के अन्य सदस्य मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पार्वती वेलफेयर सोसाइटी के सचिव महेंद्र गुप्ता ने कहा, निकल गया बाबा। जी, ये पार्वती वेलफेयर सोसाइटी राष्ट्रीय सचिव महेंद्र गुप्ता। ये प्रोग्राम उत्तर प्रदेश जूनियर फुटबॉल प्रीमियर लीग का आयोजन हो रहा है। उत्तर प्रदेश में पहली बार आप देख रहे होंगे आईपीएल के तर्ज पर यह कार्यक्रम हो रहा है। एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है जहां खिलाड़ियों की बोली लगाई जाएगी। आईपीएल के तर्ज पर टूर्नामेंट कराया जा रहा है, जिसका ट्रायल आज शुभारंभ हुआ गोरखपुर से सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज पर। और 24 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के 17 मंडलों में आयोजन ट्रायल होगा। उसके बाद सारे बच्चे चयन किए जाएंगे। 8 मई को इसकी नीलामी होगी गोरखपुर में, जिसमें टोटल 90 बच्चों का चयन किया जाएगा, अंडर 19 लेवल के बच्चों का। उसके बाद 22 से लेकर 26 फिनाले मैच डे नाइट टूर्नामेंट होगा इसी ग्राउंड पर, सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज गोरखपुर में ही। इसका आयोजन है कि 19 बच्चों के लिए किया गया कि ताकि कोरोना के बाद बच्चे कभी खेल नहीं पाए। और आपको बता दूं कि ये एक ऐतिहासिक होगा, किसी गेम में उत्तर प्रदेश में किसी खेल में ऐसा कोई एक ऐसा गेम है जिसमें आईपीएल के तर्ज पर कराया जा रहा है। ये पहली बार है कि रिकॉर्ड 24 अप्रैल को किस जगह पर होगा? 24 अप्रैल को कानपुर, बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ, जो भी 14-17 मंडल इसके बाद जो बाकी हैं उस मंडलों में ट्रायल किए जाएंगे।